सो हेलो गेबी फैमिली, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मेरा नाम है कशिश एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको मैं टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ एंड ग्लिचेस बताने वाला हूँ जो हमारे 1.6 के अपडेट में आए हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं। जो गाइस आप मतलब एकदम हैरान हो जाओगे यार, अपार्टमेंट में चढ़ सकते हो भाई एकदम इजीली, कोई भी बंदे कैंप कर रहे हैं भाई सबको मार सकते हो भाई, आप ऑटो रिवाइव हो सकते हो भाई, सेल्फ रिवाइव मतलब कि आप खुद ही रिवाइव हो सकते हो अगर आपका टीममेट भी आपके पास नहीं है एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स है भाई जिससे कि आप स्क्वाड हाउस वाले बंदे कैंपर को मार सकते हो एकदम ईजी ट्रिक्स है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ठीक है। चलो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमारी ट्रिक निकल कर आती है सेल्फ रिवाइव की ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्फ रिवाइव के बारे में बताएंगे आपको सेल्फ रिवाइव कैसे हो सकते हो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मैप में बहुत सारे सेल मैट्रिक्स ऐसी जगह होंगी जहाँ पर आप ये एक सेल मैट्रिक्स दिख जाएंगे आपको, ये हमें ऊपर स्पेसशिप तक लेकर चले जाएंगे। तो भाई यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ओपन होने वाली है, जस्ट 3-4 सेकंड रहती है। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है एंड अगर आप बाई चांस यहाँ पर इनके सामने नॉक हो जाते हो तो भाई आपको क्या करना है, देखो मैं अभी नॉक होकर दिखा रहा हूँ एंड मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि भाई मुझे रिवाइव मत देना जब तक मैं ना बोलूँ। तो भाई यहाँ पर मेरे मतलब टीममेट रिवाइव नहीं देंगे मेरे को एंड गाइस मैं एकदम अपने यहाँ पे रिवाइव होकर दिखाऊंगा आपको आपके सामने एकदम लाइव। तो आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर सेल मैट्रिक्स के अंदर जा रहा हूँ एंड यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दूंगा एंड ये स्पेसशिप हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 5 सेकंड यहाँ पर हो रहा है एंड मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि आप अंदर आ जाओ एंड देखो किसी ने भी मुझे रिवाइव देना स्टार्ट नहीं किया है एंड साथ में देख सकते हो भाई ये स्पेसशिप हवा में उड़ गया है, मतलब कि सेल मैट्रिक्स हवा में उड़ गया है। तो भाई हवा में उड़ने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम इसके अंदर आ जाएंगे एंड गाइस बिल्कुल भी मुझे 1% भी हेल्थ करने की जरूरत नहीं होगी, मैं एकदम जिंदा हो जाऊँगा मतलब पूरा आप देख सकते हो। एंड गाइस मैं यहाँ पर जब उतरूँगा लैंड करूँगा इसमें से बाहर निकल के तो भाई यहाँ पर मेरी हेल्थ पूरी रहेगी एंड 1% भी मुझे हेल्थ नहीं करनी पड़ेगी ना रिवाइव की जरूरत पड़ेगी, आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो इसी मैच के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको मतलब ज़्यादा वेट ना करना पड़े एंड उतर के दिखाऊंगा कि मतलब कि मेरी हेल्थ 1% भी कम नहीं है एंड मैं एकदम रिवाइव हो चुका हूँ ठीक है, ऑटो रिवाइव हो चुका हूँ सेल्फ रिवाइव ठीक है। तो यहाँ पर मैं बंदों को पास जाता हूँ एंड थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप बोर ना हो। सो गाइस यहाँ पर तुम्हारे भाई ने ये स्पीड 2x कर दी है, मतलब 2x कर दी है ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े एंड जल्द से जल्द मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर 3 बार मर के। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मैं भाग रहा हूँ ऐसे बिना ही गन के, मतलब ऐसे भाई मारो भाई मुझे मारो कोई मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो जल्दी से मारो भाई हमें मरना है भाई हमें मरना है, तो मतलब मार ही नहीं रहे। हाँ हाँ मार दिया भाई, चलो ठीक है एक बार ही मर चुके हम यहाँ पर, तो भाई हमें 2 बार और मरना है तो जल्दी से जाकर मरते हैं एंड गाइस आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि हम यहाँ पर सेल्फ रिवाइव हो चुके हैं। एंड हाँ गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ना तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस और बहुत सारी मतलब अभी 4 टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चे भाई वो भी काफ़ी अच्छे, मतलब आपको एक चीज़ तो ऐसी दिखाऊंगा कि जहाँ पर आपको फ्लेयर गन मिलती है एकदम फ्री में, मतलब एकदम ईजिली फ्लेयर गन मिल जाएगी आपको, मतलब यार क्या ही खतरनाक ट्रिक है, मतलब पूरे वीडियो को एंड तक देखते रहो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट चांस बचा, मैं इस मुक्के मार रहा था इस बंदे को भाई ताकि हमें जल्द से जल्द मार दे, तो भाई ये बंदा देखो यहाँ पर अभी मैं मारेगा एंड खत्म कर देगा। तो गाइस मैं आपको उतर के दिखाऊंगा आपको एकदम इजीली। तो गाइस यहाँ पर देखो मर चुके हैं एंड यहाँ पर लैंड हो रहे हैं भाई, देखो हमारी हेल्थ एकदम फुल है एंड मैं नीचे एकदम पैराशूट से नीचे उतर के दिखाऊंगा आपको ताकि भाई यहाँ पर आपको लगे नहीं कि भाई मतलब मैं मतलब नॉकआउट नहीं हुआ था या फिर जो भी, आप पूरा वीडियो स्किप नहीं किया आपके सामने तभी इतना थोड़ा लंबा बन गया वीडियो। गाइस आप मतलब ऐसा मत बोलना कि यार वीडियो ऐसे स्किप कर दिया वो कर दिया, तो भाई आपके सामने एकदम पूरा वीडियो दिखाया है विद प्रूफ दिखाया है ठीक है, तो इस वीडियो को मतलब ऐसा मत बोलना यार ठीक है। आपके सामने आप लोग देख सकते हो मैं हवा में हूँ मतलब उतर रहा हूँ भाई एंड बिल्कुल भी नॉकआउट नहीं हूँ ठीक है, आपको मैं ज़मीन पे उतर के भी दिखा रहा हूँ, अभी देखो बस जस्ट ज़मीन में उतर जाऊँगा एंड आपको दिखेगा कि मेरा पूरा हेल्थ है ठीक है। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक दिखाऊंगा, तो बस जल्दी से हम ज़मीन पर उतर जाते हैं एंड इस वीडियो को यार लाइक कर देना जरूर से जरूर, क्योंकि यार आप बाद में लाइक नहीं करते यार, इसलिए मुझे यार फील होता है कि यार आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं उतर चुका हूँ एंड मेरी बिल्कुल भी हेल्थ कम नहीं हुई है ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर आती है हमारी सेकंड ट्रिक जिसके ऊपर मतलब ये स्क्वाड हाउस के ऊपर है, मतलब जैसे कि आप सोच सकते हो भाई यहाँ पर स्क्वाड हाउस पर बहुत सारे बंदे कैंप करते हैं ऊपर और यहाँ पर जहाँ पर मैं स्कोप खोल रहा हूँ तो भाई यहाँ पर भी बैठ जाते हैं। तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि आपको क्या करना है, तो भाई यहाँ पर आपको पता ही है कि बहुत सारे हमारे पास ये नार्कोस कॉइन होते हैं, तो भाई आपको सिंपल कुछ भी ऑर्डर कर लेना। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एमो ऑर्डर कर लिया, जो सबसे सस्ता वाला है पैक है मैंने वही ऑर्डर किया एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा पीछे हट जाना कि ये भाई जब हवा में से आता है ना तो ये थोड़ा पीछे की तरफ हमें धक्का दे देता है, मतलब यार पीछे की तरफ धकेल देता है, तो आप इसको ऐसा नहीं करना, आपको सिंपल एकदम देख सकते हो जैसे कि मैं स्क्वाड हाउस पे आ गया एकदम आप ऐसे ही आ सकते हो एंड जो यहाँ पर एक गेट है यहाँ पर भी आप ऐसे ही एक बना सकते हो एंड ऊपर चढ़ सकते हो उसके एंड साथ में ऊपर वाले बंदे को भी लपेट सकते हो। गाइस यहाँ पर देखो मैं सामने भी जा रहा हूँ एंड सामने शीशे के तरफ भी मैं बंदे को मार सकता हूँ एकदम ईजिली भाई शीशा फोड़ के, तो भाई मतलब एकदम ईजी ट्रिक है, स्क्वाड हाउस वाला बंदा सरप्राइज हो जाएगा कि भाई आ कैसे गया भाई हमारा बंदा ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक, कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे सेकंड ट्रिक कैसे लगी। तो चलिए हम अपने थर्ड ट्रिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गो।
सो गाइस थर्ड ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर रोबोट्स के पास आ जाना है, ठीक है। और रोबोट्स के पास आने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो मैं इन रोबोट्स को एकदम इजीली मार रहा हूँ। एंड गाइस इनको पता ही नहीं है मैं कहाँ से मार रहा हूँ, मतलब ये मार नहीं सकते क्योंकि गाइस जो ये लाइन है मैंने आपको स्कोप खोल कर दिखाई है, तो इस लाइन के आगे अगर मैं जाता हूँ तो ये रोबोट मुझे स्पोर्ट कर लेंगे, मतलब इनके एरिया के अंदर आ जाऊँगा। एंड देखो अभी जैसे ही ऊपर चला गया तो भाई ये रोबोट देखो बाहर निकल के आया मेरे को मारने के लिए, ठीक है। एंड अगर इसमें लाइन के नीचे रहता हूँ तो भाई जहाँ पर ये मेरा स्कोप खोला था मैंने, ये जो लाइन के नीचे रहता हूँ तो भाई ये मुझे नहीं मारेंगे। देखो मैं डर के मारे चला गया कि ये मुझे मार रहे कि नहीं, देखो ये नहीं मारा। एंड देखो इसकी रेंज में आते ही मैं तुरंत मारने लग गया भाई ये, तो देखो यहाँ पे लाइन के नीचे रहूँगा तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं मारेगा। इसके सामने दिखता भी रहूँ मैं फिर भी नहीं मारेगा। देखो ये सामने उस मेरे नंबर वन टीममेट को मारने के लिए चले गए क्योंकि वो उनके एरिया के अंदर था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन है जो इस लाइन के आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। देखो जैसे ही बाहर जाऊँगा ये फायर करने स्टार्ट कर देंगे, तो देख सकते हो ये लाइन जो इसके सामने नहीं जाना है। एंड गाइज यहाँ पर आपको फ्लेयर भी मिलता है अगर इन रोबोट्स को मारते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एकदम लाइव प्रूफ के साथ। तो गाइज ये वही गेम प्ले है। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हो भाई मैंने यहाँ पर देख सकते हो लाइव कितने, एंड मेरे दोस्त के साथ वही खेल रहा था। एंड गाइज इस रोबोट को मतलब कि इस रोबोट को तोड़ने के बाद मतलब मुझे देख सकते हो यार, मतलब कि फोड़ने के बाद यार आप लोग फ्लेयर मिल गई है यहाँ पर भाई, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइज। यहाँ पर एकदम फ्री में फ्लेयर मिल रहा भाई, तो इससे ज़्यादा और चीज़ हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो एकदम ईजी चीज़ है, मतलब यार आप लोग यहाँ पर जरूर से ज़रूर आना, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। एंड गाइज यहाँ पर फ्रेम फ्लेयर मिल रही है भाई, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो गाइज हमारी जो फोर्थ ट्रिक है वो हमारी कर रही है वर्क अपार्टमेंट पे, ठीक है। तो गाइज अपार्टमेंट पे आपको सभी को पता ही है बहुत सारा कैंप चलता है यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पर भाई गेट के पास बैठ जाते हैं भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा कैंप करते हैं, तो उस कैंप को तोड़ने का तरीका भी मैं आपके लिए ईजिली लेकर आ सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें नार्कोस यहाँ पर इस्तेमाल करने, जो भी हमारा यहाँ पर है ये मतलब कि बना देना यहाँ पर ड्रॉप, हमें मंगा लेना अपना। तो भाई यहाँ पर जैसे ही मैंने एडजस्ट करके यहाँ पर एक ड्रॉप मंगा लिया, थोड़ा सा पीछे की तरफ हट जाता हूँ ताकि ये मुझे उड़ाए ना हवा में। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको ले आया हूँ, यहाँ से मैंने एमओ मंगाया तो यहाँ पर एमओ उठा लेता हूँ मैंने, इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक शील्ड पड़ेगी जरूरत, इसकी शील्ड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जब जैसे ही आपका ग्रीन कलर का यहाँ पर साइन आता है तो आप इस शील्ड को बना लीजिएगा, एंड थोड़ा सा लेफ्ट अपने करेक्टर को करके ये जो इसका कोना है कोने की तरफ यहाँ पर ऊपर जंप करना है, आप देख सकते हो ईजिली इसके ऊपर आ जाओगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा और वेट करना है यहाँ पर अपना, जब भी ये नार्कोस मतलब कि जिससे कि आपका एक और ड्रॉप यहाँ पर अवेलेबल हो जाए तब तक वेट करना है। एंड अगर यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस अगर आपके सामने वाले फ्लोर पर कोई बंदा बैठा होगा तो आप उसको भी एकदम ईजिली मार सकते हो, जैसे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो अगर कोई बंदा अंदर बैठा भाई एकदम यहाँ पर उसको सरप्राइज अटैक कर सकते हो आप यहाँ पर भी। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ ताकि जिससे कि मेरा यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाए, एंड आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर ऊपर जाकर, ठीक है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा टाइम खत्म हो चुका है हमारा बॉक्स मंगाने का, तो यहाँ पर ड्रॉप मंगाते हैं हम अपना जल्दी से। एंड गाइज जब भी ये विजिबल होता है देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है तो आपको तुरंत यहाँ पर मंगाना है, एंड थोड़ा सा इसके पीछे की तरफ हट जाना है तुरंत, देखो ये शील्ड के कोने पर आ जाना ताकि ये हमें हवा में थोड़ा सा धकेल ना सके, एंड ऊपर की तरफ मतलब साइड की तरफ यहाँ पर कहीं भी मतलब कि थ्रो ना कर सके हमें, मतलब कि यार एकदम से उड़ा देता है हवा के अंदर। तो भाई इसके ऊपर चढ़ जाना आपको सिंपल, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह पर आ जाओगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक शील्ड बनाना थोड़ा सा जहाँ पर से ये ग्रीन कलर का हो जाए हमारी तरफ, थोड़ा सा पीछे हटकर बनाना अगर नहीं बने तो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पर हो चुका है हमारा, एंड मैंने शील्ड बना दिया, एंड यहाँ पर इसके कोने पर चढ़ जाता हूँ। तो भाई जो भी बंदा यहाँ पर कैंप कर रहा होगा भाई उसको एकदम ईजिली पेल सकते हो भाई, जो भी कैंपर होगा भाई एकदम ईजिली। एंड यहाँ पर से मैं आगे चढ़ के भी दिखाऊंगा आपको ऊपर, जैसे कि मैंने इंट्रो के अंदर दिखाया आपको, तो भाई एकदम ईजिली है यहाँ पर। आप लोग देखो यहाँ पर सामने मैं जंप करता हूँ एंड एकदम ईजिली मैं यहाँ पर अपार्टमेंट के ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो भाई यहाँ पर से एकदम इजीली आप बंदे को सरप्राइज अटैक कर सकते हो कहीं पर भी, अगर बंदा कैंप कर रहा तो एकदम इजीली आप मार सकते हो। कितनी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स है गाइस, तो इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए यार एक लाइक तो बनता है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम अपनी लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को दिखाते हैं आपको कि किस चीज़ के ऊपर है वो, तो चलिए लेट्स गो। तो गाइस हमारी जो लास्ट एंड फिफ्थ टिप्स एंड ट्रिक्स है गाइस, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर सेल मैट्रिक्स के अंदर आ जाना है। एंड सेल मैट्रिक्स के अंदर आ जाने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हम हवा में उड़ने जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पर सेल मैट्रिक्स हमारा एयरशिप जो भी कनेक्टेड यहाँ पर हो जाता है। एंड गाइस उसके अंदर यहाँ पर जब कनेक्ट हो जाता है तो आपको एक ऐसी प्लेस दिखाऊंगा जहाँ पर भाई आपको बहुत मतलब कि कोई मार ही नहीं पाएगा यार, एकदम से यार खतरनाक अनलिमिटेड हेल्थ हो जाएगा आपका एकदम, देखो यार मतलब मार नहीं पाएगा यार, वो तो आपके हाथ में है, आप उसको अगर अंदर आने दोगे तो वो ईजिली मार देगा, वहाँ पर मत आने देना। तो भाई यहाँ पर देखो यहाँ पर जब जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ ना आपको एकदम सिंपल उसी प्लेस पर जाना, मैं आपको मैप खोल के भी दिखाऊंगा जब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तो आप लोग इजीली बस वीडियो को पूरा देखता रहो। थोड़ा सा यहाँ पर एक लास्ट ट्रिक बचा है, आप इसको पूरा देख ही सकते हो भाई, काफ़ी आपके अच्छा काम का ही है। तो यहाँ पर जैसे मैं जिस प्लेस पर जा रहा हूँ तो भाई आपको उसी प्लेस पर जाना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बंदे आ गए एकदम से, तो इनको निपटा देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको दिखाते हैं हमें कहाँ पर जाना है। तो गाइस आपको यहाँ पर आ जाना है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर एग्जिट के पास, ठीक है।
तो जिससे कि आप यहाँ पर बाहर जा सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी टीममेट है आपका नीचे रह गया है एंड आपको बोले कि भाई मेरे पास बंदे आ गए, स्क्वाड पुश कर दिया, तो आप एकदम यहाँ से इजीली एग्जिट कर सकते हो। आपको मैं मैप के अंदर जूम करके भी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो एग्जिट लिखा हुआ है एकदम एग्जिट, तो यहाँ पर एकदम जूम करके आप जा सकते हो एग्जिट वाले यहाँ पर प्लेस पर। एंड आप लोग यहाँ पर अपने टीममेट की हेल्प करनी, तो यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके ये 5 सेकंड लेगा फिर से, एंड आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रॉप हो जाओगे। आप एकदम पैराशूट खोल के एकदम इजीली आप अपने टीममेट के पास जा सकते हो। एंड गाइस की एक और खास बात, अगर आप जोन के बाहर हो एंड सेल मैट्रिक्स के अंदर चले गए, तो भाई आप एकदम से जोन के अंदर ही भाई सेल मैट्रिक्स ही आपको ड्रॉप करता है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। तो गाइस एकदम आप लोग सीधा एकदम जोन के अंदर पहुँच जाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप TPP लेके एकदम ईजिली सब बंदे को निपटा सकते हो एंड कोई भी नहीं मार पाएगा यार, आप लोग एकदम फ्री जोन एकदम ईजिली सर्वाइव कर लोगे। तो भाई यही थी हमारी कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स, तो भाई काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बस यही थी वीडियो आज की, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।